तो लैमिना प्रोपिया और पेयर पैचेस जो है ये रीजन में इम्यून रिस्पॉन्स कैसे डेवलप होता है उसको हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? तो ये रीजन को आपको फोकस करना है अभी। तो ये रीजन को अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये फोल्डिंग दिखेगा आपके म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसको अपन ने विलाय बोला है, ठीक है? उसके ऊपर आपके नंबर ऑफ सेल्स है, और ये जो आपके इंटेस्टिनल सेल है इसके मेम्ब्रेन का भी फोल्डिंग हुआ है, जिसको अपन ने क्या बोला था, माइक्रोविला। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से या जो भी आपका एपिथेलियल लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है आपका, उससे आपका कोई भी एंटीजन एंटर नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने वहां पे रखा है टी से, ठीक है? इसको बोला जाता है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो एपिथेलियल लेयर है वहां पे हमने टी सेल्स को रखा है कि कोई भी एंटीजन अगर वहां से एंटर करता है तो उसको अपन रिकॉग्नाइज करके रिमूव कर सकते हैं। तो एक्टिवेटेड टी सेल को यहाँ पे रखा जाता है एंटीजन के अगेंस्ट में एक्ट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट, आपका जो एपिथेलियल सेल है, इंटेस्टिनल सेल है आपका, इसमें कुछ सेल जो है ये मॉडिफाइड होते हैं, जिसको बोला जाता है एम सेल। एम सेल जो है इनका काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करना। तो इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में हेल्प कैसे करेंगे, तो एंटीजन जो है ये जब आपका आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में इंटरेक्ट करने के बाद में ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करने में आपके ये एम सेल इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, तो ये आपका सेल, ठीक है, अपने ये एक ट्रांसपोर्टेशन पड़ा जिसको बोलाता है ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है? इसको बोला जाता है पैरा सेलुलर। ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन, दो सेल के बीच में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पैरा सेलुलर, और पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन को अपन टाइट जंक्शंस यहाँ पे इसको प्रिवेंट करता है। अगर ये एक मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा है और ये मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद में दूसरा भी मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा है, तो इसको बोला जाता है ट्रांस सेलुलर। तो तीन टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है, पैरा सेलुलर जो आपका नहीं होता, दूसरा है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है? तो पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इसको टाइट जंक्शन प्रिवेंट करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन जो है ये आपका रेगुलेटरी होता है, और ट्रांस सेलुलर जो है इसका मतलब अक्रॉस दी सेल आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है आपका, यहाँ पे जो भी इंटेस्टिनल सेल लाइनिंग है, इसके अक्रॉस अगर आप क्या कर रहे हो कोई भी मॉलिक्यूल को या आपके एंटीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसको बोलाता है ट्रांस सेलुलर। अब ये बैक्टीरिया देखो, ये बैक्टीरिया आपका ये जो भी आपके इंटेस्टिनल लाइनिंग है इसको क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस करने के बाद में आपके लैमिना प्रोपिया वाले रीजन में आ रहा है, ठीक है? जहां पे आपने क्या रखा है, लिम्फोइड फॉलिकुल्स को रखा है। लिम्फोइड फॉलिकुल्स जो है ये अगर एक्टिवेट होते हैं तो इट इज कन्वर्ट टू सेकेंडरी फॉलिकुल्स, और सेकेंडरी फॉलिकुल्स में अगर इनका कन्वर्शन होता है तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है? बट ये जो मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, एंटीजन प्रेजेंटेशन का, इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेशन का, तो ये कैसे हो रहा है, तो इसको अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे कि अपन ने बोला था कि आपका जो एम सेल है
ये एम सेल एंटीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, एंटीजन आपके मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड होगा, मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड होने के बाद में इसका क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या अपन बोलेंगे इसका इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस अगर आप करोगे, ठीक है, ये आपका सेल है, सेल के साथ में ये आपका एंटीजन बाइंड हो गया, एंटीजन बाइंड होने के बाद में इसको इंगल्फ करेंगे अपन, इंगल्फ करोगे इसका मतलब इसका इंडोसाइटोसिस होगा, इंडोसाइटोसिस होगा तो ये वेसिकल में पैक हो जाएगा। अब अगर ये लाइसोसोम के साथ में अगर फ्यूज होता है तो अपन उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। समझ में आया क्या? बट ये फैगोसाइटिक सेल नहीं है, इसका डिग्रेडेशन अपन सेल के अंदर में नहीं कर रहे, ये सेल का साइटोप्लाज्म है जहां पे इसका इंडोसाइटोसिस हुआ, और इंडोसाइटोसिस होने के बाद में अब इसको अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे कहां पे, दूसरे मेम्ब्रेन के ऊपर। दूसरे मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आपका ये फ्यूज हो जाता है तो उसको बोलेंगे अपन एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो आपका सेल है इसमें क्या हो रहा है, पहले इंडोसाइटोसिस हो रहा है और उसके बाद में इसका एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस होने के बाद में अपन क्या बोलेंगे कि पहले इंडोसाइटोसिस में पहला वाला मेम्ब्रेन क्रॉस किया है इसने, अपाइकल वाला, तो ये आपका अपाइकल साइट और ये आपका बेसल साइट, ठीक है। तो इसने आपका दोनों भी मेम्ब्रेन जो है इसको क्रॉस किया, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन हो गया ये, ठीक है। तो ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट है ये, तो यहां पे एम सेल भी क्या करता है, पहले इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस करता है। एम सेल जब एक्सोसाइटोसिस करता है तो इसका जो शेप है ये एक पर्टिकुलर कैविटी फॉर्म करता है, और इसमें आपके नंबर ऑफ इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग बी सेल। बी सेल क्या करेंगे, ये जो आपका एंटीजन है इसके साथ में बाइंडिंग करेंगे, और बाइंडिंग करने के बाद में इसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद में इसका प्रेजेंटेशन होगा। तो बी सेल जो है इसको प्रेजेंट करेगा किसके साथ में, एमएससी क्लास टू के साथ में। इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा टीएस सेल। टीएस सेल अगर आपका एक्टिवेट होता है तो टीएस सेल आपके बाकी के बी सेल को एक्टिवेट कर देगा, और अब बी सेल जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स। समझ में आया क्या? तो बी सेल जो है ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गया। टी सेल जो है ये अभी आपका माइग्रेट कर रहा है कहां पे, लैमिना प्रोपिया रीजन में। तो ये यहाँ पे जो आपके टी सेल थे ये कहाँ पे माइग्रेट करेंगे, इस रीजन में, और ये इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, आपके प्राइमरी फॉलिकुल्स के साथ, जिसका कन्वर्शन हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकुल्स में। सेकेंडरी फॉलिकुल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं किसका, प्रोडक्शन करेंगे किसका, आपके एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी अगर आपका प्रोडक्शन होता है तो एंटीबॉडी को हम डिफ्यूज करेंगे कहाँ पे, आपके ल्यूमेन में, ठीक है। तो जो इंटेस्टिनल ल्यूमेन है यहाँ पे एंटीबॉडी को सिक्रेट किया जाएगा, और ये एंटीबॉडी होती है आपकी आईजीए, ठीक है। और आईजीए को अगर आपको क्या करना है, अभी लैमिना प्रोपिया रीजन से कहाँ पे भेजना है, ल्यूमेन में, तो उस कंडीशन में भी आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना पड़ेगा, ये आपका एंटीबॉडी, ठीक है, ये आपकी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के साथ में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आपका बाइंड होगा, ठीक है। और इसका भी फिर क्या किया जाएगा, इंडोसाइटोसिस किया जाएगा। इंडोसाइटोसिस करने के बाद में इसको अपन इस मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करेंगे, तो एंटीबॉडी आपका कहाँ पे आ जाएगा, ल्यूमेन में। इसलिए एंटीबॉडी जो है इसका भी क्या किया जाता है, ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो पहले एंटीजन का ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कर दे, और उसके बाद में आपके एंटीबॉडी जो अपन सिक्रीट कर रहे हैं यहाँ पे उसका अपन वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकुल भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, सेकेंडरी फॉलिकुल भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है,
और सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो प्लाज्मा सेल है वो भी आपके कहाँ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है यहाँ पे आपका एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है थ्रू दी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैमिना प्रोपिया का इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ कैसे वहां पे जनरेट होता है। तो वैसे ही सेम रहेगा किसका, आपके पेयर पैचेस का, जहां पे आपके बहुत सारे फॉलिकुल्स हैं, ठीक है। यहां तक अगर किसी को भी अगर डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? देखो सबसे लास्ट में है आपका टर्शरी लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, जिसको बोला जाता है कुटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। कुटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो है इसमें आपका एग्जाम्पल है स्किन का। टर्शरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अपने बात की थी कि टर्शरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें प्राइमरी फॉलिकुल्स वगैरह नहीं होते, ठीक है ना। तो जो लिम्फोइड फॉलिकुल्स की अपन ने बात की थी वो ऑब्सेंट होते यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स का नंबर भी क्या होता है यहाँ पे, कम होता है, ठीक है। तो स्किन जो है ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कैसे करता है, तो सबसे पहले स्किन सेल्स जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, किरेटोसाइट, ठीक है। तो जो आपके स्किन सेल्स है ये पर्टिकुलर साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस जो आपके इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो स्किन सेल खुद इंफ्लामेशन को स्टार्ट कर सकता है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, तो जो भी आपके स्किन सेल में डेंड्राइटिक सेल्स है जिसको अपने लैगरहेंस सेल बोला था, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल जो है इट रिकॉग्नाइज एंटीजन, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन करेंगे और माइग्रेट करेंगे कहाँ पे, आपके लिम्फ नोड की तरफ, ठीक है। तो जो भी आपका लिम्फ नोड है वहां पे आपके डेंड्राइटिक सेल माइग्रेट करेंगे और वहां पे आपका रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। तो स्किन सेल जो है सॉरी स्किन जो है या कुटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यहाँ पे ये दो रिस्पॉन्सेस दिखते हैं, किरेटिनोसाइट जो इन्फ्लामेशन को इंड्यूस कर सकता है, डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं जिसको अपने लैगरहेंस सेल बोला था, ये आपके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोसेस प्रेजेंटेशन करके लिम्फ नोड के पास में एक्टिवेशन के लिए चले जाते हैं।
ठीक है। फिर लिम्फ नोड के पास में आपको पता है कि वहां पे क्या होता है, लिम्फ नोड के पास में आपके टीएसएल एक्टिवेट होते हैं और टीएसएल प्राइमरी फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये मेनली आपके टी सेल्स होते हैं जो आपके एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो जो आपके इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मेनली आपका CD8 पॉजिटिव होता है जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को डिफिकल्टी होगी अभी तो आप पूछ सकते हैं। चलो यहां तक किसी को डिफिकल्टी नहीं है सर। हेलो, हाँ बोलो। गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर्स इन्हीं के पास होते हैं फिर? गामा डेल्टा रिसेप्टर जो है ये आपका कुटेनियस एसोसिएटेड टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है। जो अपने टी सेल की अभी बात की ना वो आपके गामा डेल्टा वाले ही होते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है टी सेल के ऊपर रिसेप्टर कौन से थे, अपने सिर्फ टी सेल रिसेप्टर की बात की। टी सेल रिसेप्टर जो है ये आपके अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, अल्फा बीटा, उसके बाद में आपका गामा डेल्टा, जीटा, ठीक है, ईटा, ऐसे अलग अलग चेन से वो आपका टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना होता है। उसको मैंने पढ़ा नहीं इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने वहां पे बताया नहीं। बट ये जो है ये गामा डेल्टा टाइप होता है, ठीक है। जो टी सेल की बात की ना अपन ने ये गामा डेल्टा टाइप होता है। ठीक है, अगर लिखना है तो लिखो या फिर मैं जब रिसेप्टर्स ऑफ टी सेल पढ़ाऊंगा तब आपको ये वहां पे पॉइंट लिख के दूंगा, ठीक है। और जो अपन ने म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यू में पढ़ा था ना कहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे भी अपन ने एक्सप्लेन किया था। तो ये भी आपके गामा डेल्टा वाले ही होते हैं, ये जो सेल दिख रहा है आपको ये। सर क्वेश्चन था कि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कि एंटीजन के साथ? ये आपके सेल मीडिएटेड बोला ना अपन ने, सेल मीडिएटेड मतलब वो एमएससी मीडिएटेड रिस्पांस ही रहेगा आपका। बट सेल मीडिएटेड रिस्पांस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके पास में एक एंटीजन है जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक्सोजेनस एंटीजन होता है। एक्सोजिनस मतलब बाहर का, ये जैसे ये बाहर का एंटीजन है, ठीक है। तो इसको इसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए आपके पास में जरूरत होती है किसकी, एपीसी की, ठीक है। तो एपीसी की जरूरत पड़ती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है कौन से आपके पास में, बी सेल होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, इओसिनोफाइल होते हैं, न्यूट्रोफाइल होते हैं ना, ये सब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब रिकॉग्नाइज करके फैगोसाइटोसिस होगा, उसके बाद में उसका प्रेजेंटेशन होगा विद द एमएससी क्लास 2 और उसके बाद में फिर आपके टी सेल का एक्टिवेशन होता है। तो एपीसी जो है ये आपके एमएससी क्लास
टू के साथ में एंटीजन का प्रेजेंटेशन करता है, और ये इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, आपका टीएस सेल जो सीडी फोर पॉजिटिव होता है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, सीडी एट पॉजिटिव, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल वायरस है, वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है आपके एपिथेलियम को, तो एपिथेलियल सेल जो है ये वायरल एंटीजन को एमएससी क्लास वन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी सेल एमएससी क्लास वन को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट हर एक सेल एमएससी क्लास टू को रिप्रेजेंट नहीं करता। आपने बॉडी का कोई भी सेल निकाला तो भी वो एमएससी क्लास वन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, बट एमएससी क्लास टू को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ ही सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कि एमएससी क्लास वन जो है ये आपका एंटीजन वायरल एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो इसके साथ में तो आपका जो सीडी एट पॉजिटिव सेल है ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जरूरत नहीं पड़ती। सेल कोई भी हो आपका, वो डायरेक्टली आपके एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वहां पे एमएससी की जरूरत पड़ती, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा? लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम होगा या फिर यूनिट में कोई प्रॉब्लम होगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। 15 मिनट का टाइम है अपने पास में, ठीक है।